10 अरब रुपए हुनर के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हजारों नौजवानों की तरबियत जारी है। पाकिस्तान की पहली नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि 3 सालों में इस जामिया ने तरक्की की मनाजिल तय करके हैरान कर दिया। सज्जाद काजमी रिपोर्ट करेंगे। सीखेगा जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। अब महज डिग्रियां नहीं, नौजवानों को काम भी मिलेगा। पाकिस्तान की पहली नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में प्रो चांसलर और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, शॉर्ट कोर्सेज से नौकरियों की तरफ जाया जा सकता है। मुख्तलिफ हुनर के मुख्तलिफ सेंटर्स बनने चाहिए ताकि हर हुनर ऊपर जा सके। कोई ऑटोमोटिव का है सेंटर है, कोई साइबर सिक्योरिटी का सेंटर है, कोई हॉस्पिटैलिटी का सेंटर है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो हुनर है उनके सेंटर्स जो है वो बने। वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कहते हैं, मुल्क की पहली स्किल्स यूनिवर्सिटी उड़ान भर चुकी, कभी मेरिट पर समझौता नहीं होगा। ऐसे कोर्सेज पर ज्यादा तवज्जो है जिनसे नौकरियां बनाई जा सकें। ये जो हमारे ग्रेजुएट हैं, पार्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ये ऑटोमोटिव के, मोस्ट ऑफ देम दे हैव फाइंड देयर जॉब्स। जामिया में 6 डिग्री कोर्सेज समेत 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज से कई तलबा और तालबात मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सज्जाद काजमी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।